फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के आज का हमारा टॉपिक है एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम ऐसी ड्रग्स जो हम नॉन स्टेरॉयडल हैं और हमें यूज़ करते हैं केस ऑफ पेन, टेम्परेचर और मसल रिलैक्सेंट, उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेन को रिलीव करती हैं। ड्रग्स दैट रिलीव पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स एंड द ड्रग्स दैट रिलीव टेम्परेचर आर कॉल्ड एज एंटी पायरेटिक्स। तो इसका क्लासिफिकेशन नंबर वन आपका है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, उसका नंबर वन आपका था एस्पिरिन, एस्पिरिन आपको मैं सुनाऊंगा सोडियम सैलिसिलिक। उसके बाद आता है पैराफिनोल, जिसमें क्या है पैराफिनोलिन, पैरासीटामोल एंड फिनेस्टिन। थर्ड है आपका पैराजोलिन डेरिवेटिव, पैराजोलिन होती है उसमें एग्जाम्पल आपका है नाजिन। उसके बाद आपका है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें इंडोल रिंग पाई जाएगी, उसको हमने इंडोमिथासिन, एंड्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फेनोप्रोफेन, ऑक्सीकैम, पेरोक्सीकैम एंड आता है एग्जाम्पल। उसके बाद आता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव आपका फेनिक एसिड, और इसके बाद आता है पायराजोल डेरिवेटिव, ऑक्सीबिटाजोन एंड फिनाइल बिटाजोन। इसके अगर हम बात करें पहले एस्प्रिन, एस्प्रिन आप यूज करते हैं जो खून को उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आप लोग यूज करते हैं एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक। उसके बाद एनाल्जिन, एनाल्जेसिक, इंडोमिथासिन इज आल्सो यूज्ड टू रिलीव द इन्फ्लेमेशन और एनी टाइप ऑफ। उसके बाद है आइब्रोफेन, कीटोप्रोफेन एंड फेनोप्रोफेन यूज एज एनाल्जेसिक ड्रग, पैरोक्सीकैम एंड रोनोक्सीकैम आल्सो यूज एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके बाद आता है ऑक्सीबुटाजोन, फिनाइल बुटाजोन आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल एंड। उसके बाद मेफ्रामिक एसिड, मेफ्रामिक एसिड जैसे मेफ्टाल स्पाज टैबलेट आती है वो आपको टू रिलीज द स्पाज्म और पेन। नंबर वन अगर हम बात करें एस्प्रिन की, एस्प्रिन का अगर नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ASA, इसमें आप देखेंगे टू एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड का रिंग है टू ग्रुप है, एसिटोक्सी ग्रुप है, तो इसका बोलते हैं इसका केमिकल नेम है टू एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसी इट इज कलरलेस वाइट क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और इट इज़ ऑर्डरलेस एंड हैज स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इट इज शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। इट इज यूज एन एनाल्जेसिक यानी कि पेन को रिलीव करती है, एंटी पायरेटिक यानी कि ये टेम्परेचर को रिलीव करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज है हमारे घुटनों की, तो उसमें क्या इसका एंटी इंफ्लेमेटरी यूज होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जो गाउट डिजीज जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं उस ट्रीटमेंट को जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर हम एस्पिरिन की हाई डोजेज देंगे पेशेंट को तो उसमें क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो एक हार्ट डिसऑर्डर है तो उसको रिलीव करने में हमें क्या मिलती है हेल्प मिलती है। इट इज़ आल्सो यूज एज एंटी पायरेटिक एक्शन एंड इट इज आल्सो इन केस ऑफ पेन्स लाइक हेडेक एंड टूथेक। एंड इसकी जो ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है वो आपके हैं डिस्प्रिन, एस्प्रो, एनासिन, एस्प्रिन टैबलेट, कैफीन और एस्प्रिन टैबलेट, पेडियाट्रिक डिस्प्रिन, एस्प्रिन बच्चों के लिए भी इसमें मार्केट प्रेपरेशन अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरासीटामोल, जैसे आप सब जानते हैं पैरासीटामोल मार्केट में 500-650 की फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। इसका दूसरा नाम है एस्टामिनोफेन, उसका केमिकल नेम इट इज़ पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, तो उसका केमिकल नेम है पैरा एसिटामिनोफिनोल 4-एस्टामिनोफिनोल, 4 पे एसिड और एमाइड ग्रुप है, इसका हम बोलते हैं 4-एस्टामिनोफिनोल। इट इज़ कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज़ ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली बिटर इन टेस्ट एंड इट इज़ फ्रैंकली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड स्टेबिलिटी इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड यूजेस आर इट इज एनाल्जेसिक टू रिलीव द पेन, एंटी पायरेटिक टू रिलीव द टेम्परेचर, एंटी टेम्परेचर और उसके बाद इट इज यूज टू क्लियर द पेन, हेडेक के लिए यूज हम इसको कर सकते हैं, मसल एंड जॉइंट पेन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ब्रांड नेम क्लोसिन, मेटासिन, कार्बोल, पैरामोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम आर अवेलेबल एंड ऑफिशियल प्रेपरेशन इसकी आपको सस्पेंशन के फॉर्म में मिल जाएगा, ये टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा, सिरप की फॉर्म में मिल जाएगा। और इसका अगर नाम जो एस्टामिनोफेन है दैट इज आल्सो पैरासिटामोल, तो एस्टामिनो टैबलेट और एस्टामिनोफेन एलिजर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आगे जो क्लासिफिकेशन है इसका थर्ड जो आपका इसका इंडोमिथासिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये थे आपके एनएसएड्स।